Hi everyone, welcome to Bima New IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. और टू द पॉइंट के अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज केरलाज सिंकिंग आइलैंड, कि एक ऐसा आइलैंड है विच इज सिंकिंग डे बाय डे. उसकी लैंड न्यूट्रैलिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है. और एक रीसेंट स्टडी आई है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये टॉपिक उठा रहे हैं, जिसमें बोला है कि इसका जो वन ऑफ द मेन रीजन है दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से जो आइलैंड है दैट इज इन केरला वो सिंक हो रहा है. राइट, एंड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज है. इस सीरीज के अंदर हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत प्रिसाइज तरीके से फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली, यू कैन अवेल द कोर्स दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. इट इज करंट अफेयर्स कोर्स फॉर बोथ प्री एंड मेंस, एंड इट इज अवेलेबल बोथ इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट. सो ईज ऑफ एक्सेस इज देयर. तो अगर आप चाहें तो किसी भी मोड के अंदर इसको आप अटेंड कर सकते हैं. थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रहती है इसके अंदर. नंबर वन, यू गेट अ क्लास विच हैपन्स ऑन एवरी सैटरडे एंड एवरी मंडे, जिसके अंदर प्रीवियस वीक का जो हमारा करंट अफेयर होता है उसको हम होलिस्टिकल तरीके से क्लास के अंदर कवर कर देते हैं. नंबर टू, यू गेट वीकली पीडीएफ्स, अगेन जिसके अंदर आपका जो प्रीवियस वीक का जो होता है वो पूरा करंट अफेयर कवर्ड होता है. उसके अंदर हाईली क्यूरेटेड फॉर्म के अंदर जो है आपको जो आपका कंटेंट है वहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी साथ में रिसर्च करके डाला जाता है. और पीडीएफ ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है, सो इट इज़ लाइक बहुत आसान सा टास्क बन जाता है. और उसके थ्रू, इस पीडीएफ और क्लास के थ्रू, यू कैन कंसीडर कि आपका जो है लगभग तीन से लेकर चार न्यूज़पेपर जो है आपके कवर हो जाते हैं उसके अंदर. नंबर थ्री, यू गेट वीकली टेस्ट जो आपके डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं. सो इन तीन के कम्बिनेशन से यू कैन कंसिडर कि आपका जो करंट अफेयर्स वाला एक मॉड्यूल जो एक अलग से तंग करता है, इट इज डन फॉर यूपीएससी. चलिए आगे चलते हैं. सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला जिसकी हम बात कर रहे थे, इसका नाम है मुनरो थुरुथू. थुरुथू इन दैट लैंग्वेज इट लिटरली मीन्स आइलैंड ओनली, सो मुनरो आइलैंड ये नाम है. कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं पहले, फिर हम शुरू करते हैं. अ स्टडी कंडक्टेड बाय नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज NCEEE has revealed anthropogenic interventions as the main reason for the sinking of Munro Thuruthu, Kerala's sinking island. Right? So, अगर कोई आप state का exam दे रहे हो तो वहाँ पर तो directly question भी आ सकता है कि Kerala sink, which of the following is called the Kerala sinking island. तो चार islands के नाम दे देंगे वो, उसमें से ये एक सही answer होगा, बाकी तीन कोई ऐसे इधर उधर से नाम उठा के. Right? तो एक तो सीधा सीधा question सवाल जो है आपको यहाँ से बनता है. आगे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. द आइलैंडर्स आर फेसिंग स्टेडी लैंड सब्सिडेंस, टाइडल फ्लडिंग एंड लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ विच हैव ट्रिगर्ड अ मास एक्सोडस फ्रॉम द रीजन. तो रीजन जो है वो खाली होता जा रहा है और ये इसका कॉन्टेक्स्ट है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये आइलैंड कहाँ पे है और किस लेक के अंदर है ना, और किसके कॉन्फ्लुएंस पे बन रहा है, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. चलिए तो आगे चलते हैं, उसको देखते हैं हम. उससे पहले एक और डेटा पॉइंट है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑलमोस्ट 39% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ मुनरो थुरुथु हैज बीन लॉस्ट. और पेरिंगलम एंड चेरियाकडवु आइलैंड ये जो है, दे आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग अ लैंड डिप्लीशन ऑफ अराउंड 12% एंड 47% रिस्पेक्टिवली. तो वहां पे लैंड डिप्लीशन इस रेट पे चल रही है उस आइलैंड ग्रुप में. द स्टडी फाइंड्स दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैव considerably affected the isostatic conditions and land neutrality of Munro Thuruthu or Munro Island. Moving forward, this is about exactly कि Munro Thuruthu ये island ही है क्या और कहाँ बना है, जो जिस इन चारों स्टेट में से किसी के ऊपर भी सवाल आ सकता है. राइट, चलते हैं आगे. Munro Thuruthu is an island, inland island group located at the confluence of अष्टमुडी लेक एंड दी कलडा रिवर. और ये कहाँ है, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. डायरेक्टली इन दो चीज़ों के ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है. और अगर किसी पीसीएस के अंदर ये सवाल आपको डायरेक्टली आ जाता है किसी प्रोविंशियल सर्विसेज के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो वो इन्हीं जगहों से उठाए जाते हैं. और ये एक सवाल ऐसी, एक स्टेटमेंट है भी ऐसी कि जिसके ऊपर सवाल बनाना भी बहुत आसान है, तो जनरली एग्जामिनर जो है वो बना भी देगा. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. The place is named in honor of resident Colonel John Munro of the former princely state of Travancore. इस स्टेटमेंट का यहाँ पर डालने का एक पर्पस है,
वो इसलिए कि कहीं आप लोग ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो कि किसके ऊपर नाम, किसके ऊपर ये नाम आइलैंड का रखा गया है, बिकॉज एक थॉमस मुनरो हु वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1820 टू 1827, तो वो थोड़े ज़्यादा फेमस है इन रेजिडेंट साहब से, तो इस वजह से तो ये स्टेटमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और यहाँ अगेन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर सच कि इस पे ना सवाल को टेढ़ा करना बहुत आसान हो जाता है अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट मिल जाए, राइट. और अगर सवाल घुमाना हुआ तो दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्जामिनर, ताकि वो आपसे एक नेगेटिव क्वेश्चन आपका बढ़वा दे, राइट. तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. रेजिडेंट कर्नल जॉन मुनरो, रेजिडेंट कौन होते हैं वो भी हम देखते हैं अभी कि क्या पोजीशन है एक्चुअली ये. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 स्मॉल आइलेट्स कंप्राइजिंग अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट 13.4 स्क्वायर किलोमीटर, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. दिस आइलैंड इज नोन एज सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला. तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला के नाम से आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है. लेट्स जस्ट होप कि आ जाए आपको, आपको बहुत फायदा हो जाएगा. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी रिवर जो है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कलडा रिवर और कुलाथू पूजा. पूजा का लिटिल मतलब रिवर ही होता है अगेन, जैसे कि हम पहले देख रहे थे कि थ्रुथू का मतलब आइलैंड है, वैसे पूजा का मतलब जो है इट इज रिवर. तो कभी अगर जैसे एक एक प्रोविंशियल के अंदर एग्जाम में आया था कि ऐसे नाम दिया हुआ था और बोला था कि ये क्या चीज़ है ना, तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि यार लैंग्वेज में इसका क्या मतलब होता है, तो आप सीधा सीधा वर्ड के साथ में बता सकते हो कि ओके इट्स अ टाइप ऑफ लेक, या ये कोई रिवर है ना, या ये कोई माउंटेन पास है, या क्या है. तो लोकल भाषा में जनरली इसके वर्ड्स बड़े सिंपल सिंपल डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड से होते हैं, डायरेक्टली से आपको समझ में आ जाते हैं. रिवर के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर इससे भी कोई सवाल मे बी आ सकता है या नहीं, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट. द रिवर ओरिजिनेट्स इन कुलाथूपुज़ा हिल्स, अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एंड फ्लोज वेस्ट रीचिंग अरेबियन सी आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स. बेसिकली मतलब अगर सवाल आपका ऐसे आ जाए कि इट एम्प्टीज इन टू अष्टमुडी लेक, राइट, तो वो भी स्टेटमेंट आपकी सही होगी, बिकॉज अल्टीमेटली वो अरेबियन सी से कनेक्टेड है. तो ये स्टेटमेंट उस एंगल से आपको देखनी है. चलिए लेट्स सी कि प्रीलिम्स के अंदर इसका क्या सवाल बन सकता है. एक एक सवाल आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अभी, एंड प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. और सबसे पहला काम जो हमने इस टाइप के स्टेटमेंट में करना होता है वो है कि क्वेश्चन को सही से देख लेना कि वहां पे पूछा क्या है. अब यहाँ पे जो है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स बाकी वीडियोज के अंदर भी कि यहाँ पे एक सवाल को पढ़ना, वो भी आपके जब स्क्रीन पे देख रहे हो, आप पूरे रिलैक्स्ड मोड में देख रहे होंगे, बट जब आपके सामने पेपर आता है उसके बाद में ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही सवाल होगा, उसके अंदर 100 सवाल होंगे. तो सच काइंड ऑफ वर्ड्स की इनकरेक्ट को आप करेक्ट पढ़ना, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. तो यू हैव टू बी केयरफुल ईच एंड एवरी टाइम, हर सवाल को उतनी ही इज्जत देना जितनी अपने पहले को दी होती है, राइट. तो अगेन यहां पे भी यहां पे पूछा गया सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नंबर वन, मुनरो थ्रुथू इज एन इनलैंड आइलैंड ग्रुप लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अष्टमुडी लेक एंड कलडा रिवर. ये देखिए अभी राइट ना, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा, ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज ये इतना आसान है नहीं, ये मॉडरेट के अंदर आएगा, राइट. चलिए आगे चलते हैं. द प्लेस इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ रेजिडेंट कर्नल जॉन मुनरो ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर. दिस आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज सिंकिंग आइलैंड ऑफ तमिलनाडु. इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 स्मॉल आइलेट्स कंप्राइजिंग अ टोटल एरिया ऑफ 13.4 स्क्वायर किलोमीटर. सो वी नो दैट तमिलनाडु में ये है ही नहीं, ये केरला में है. बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा कि अष्टमुडी लेक तो केरला में है, राइट. इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है. तो सीधा सीधा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आप सीधा 50% पे आ जाते हो कि यार इन इन दोनों में है. अब अगर अब आप कोई आंसर मारोगे, मान लो आपने 50 अटेम्प्ट किए हैं या बहुत बॉर्डर के पास आपको कुछ अटेम्प्ट करना ही है, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल, राइट. सो वी नो दैट जो आंसर है वो ये है. एंड एज आई वॉज टेलिंग की जो एडमिनिस्ट्रेटर रेजिडेंट है, रेजिडेंट वॉज द वन जिसको एज एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता था. एंड कर्नल जॉन मुनरो वॉज नॉट द फर्स्ट वन, ये सेकेंड थे. जो पहले थे दैट वॉज आई थिंक कॉलिन मैकॉले. जो पहले थे कर्नल कॉलिन मैकॉले वॉज द फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर, एंड ही वॉज द सेकेंड. और ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए डाली गई है जो आपको मैंने पहले बताया था कि वी शुड नॉट बी
कंफ्यूजिंग द नेम विद थॉमस मुनरो. राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल. और अगर इससे सवाल आया तो आप लोग तो कर ही दोगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस.